हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? तो ये वीडियो मैं बता दूं एक्सक्लूसिवली फॉर माय प्यारे प्यारे सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 21 टर्म के बच्चों के लिए। तो यस, आपका एग्जाम दिसंबर 21 में है और बहुत ही ज्यादा बच्चे वरीड थे कि मैम हमें भी एक स्टडी टेबल बताओ ना, टाइम टेबल बताओ कि हम पढ़ाई कैसे करें ताकि हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो ये रहा रूटीन आपके लिए सीएमए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चे, ये रहा रूटीन आपके लिए। ये टाइम टेबल एक्सक्लूसिवली 56 डेज का टाइम टेबल है। ऐसे तो आपके सीएमए में फाउंडेशन में चार पेपर है, बट ये चार पेपर में इंस्टीट्यूट ने आठ सब्जेक्ट घुसा रखा है। सेवन डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, तो टोटल 56 डेज का टारगेट आएगा और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो आप जब ये मेरा वीडियो देख रहे होगे, आपके पास लगभग 56 डेज से भी बहुत ज्यादा टाइम है, मोर देन 70 डेज यू हैव इन योर हैंड, बट मैंने 10-15 दिन जो है ग्रेस पीरियड को दे रखा है। बच्चे कुछ कुछ बीमार पड़ जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं तो 5-10 डेज उधर हटा दो और 10 दिन एग्जाम्स के पहले तो हमें रूटीन कंप्लीट करना ही है कोई भी कॉस्ट पे, ठीक है? तो पहले आप देख लो क्या क्या सब्जेक्ट्स है। पेपर वन फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया कि नहीं वो आप बताओगे मुझे, बट हाँ पढ़ा तो दिया है। अब ध्यान से सुनना, दो सब्जेक्ट्स है इसके अंदर, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट। अकाउंट्स में भी फर्दर दो सब्जेक्ट, अकाउंट्स और कॉस्टिंग। लॉ एथिक्स में लॉ एंड एथिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स में स्टैट्स और मैथ्स। मैथ्स में 7 चैप्टर, स्टैट्स में 10 चैप्टर। मैथ्स में तो मजा आ ही रहा होगा क्योंकि इतने सारे शॉर्टकट हमारे मैथ्स विजार्ड संजीव पांडे सर आपको करवा रहे हैं, ठीक है? तो टोटल 8 सब्जेक्ट, 7 डेज ईच। आओ एक बार फटाफट हमारे मास्टर प्लान को देख ले। ये रहा मास्टर रूटीन आपके सामने। तो पहले हम लोग ओपनिंग करेंगे मास्टर रूटीन की। फर्स्ट 5 डेज विल बी डिवोटेड टोटली टुवर्ड्स लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही माइंड ब्लोइंग वे में, जितनी भी तारीफ करो कम है मोहित सर की, उन्होंने पढ़ाया है। और नहीं पढ़ा है तो हमारा रिविजन वीडियो देखो, मैराथन देखो, सारा का सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स के मैराथन रिविजन वीडियो, एमटीपी आरटीपी सब दिया हुआ है, तो वो जो है इसी का पार्ट है। साथ साथ आपको ये सेल्फ स्टडी जो आप करोगे उसके साथ साथ ये वीडियोस भी देख के नक्की कर लेना, और आरटीपी एमटीपी जो भी हम लोग सॉल्व करवाया वो सब भी नक्की कर लेना, और फर्दर जो और लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी हम लोग यूट्यूब चैनल में सॉल्व करके डालेंगे, तो उसका आपको चिंता नहीं करना है। तो ये टोटल आपका सेल्फ स्टडी टाइम का बात हो रहा है, ठीक है? तो पहला 5 दिन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, थोरो कर लो, और उसके बाद ये थ्योरी के संग आप एक प्रैक्टिकल लेकर बैठोगे। अकाउंट्स का छोटे छोटे चैप्टर्स कर लेना, बीआरएस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो बहुत ही मजा आता है करने में। तो 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल, यही माइंड सेट लेकर चलना है पूरे स्ट्रेटेजी में कि हमें डेली कम से कम एक थ्योरी पेपर करना है और एक प्रैक्टिकल, और सब्जेक्ट को रोटेट करना है। अगर रोटेट नहीं करोगे तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, ठीक है? और एक अपना फिक्स फेवरेट टाइम फिक्स कर लो, मॉर्निंग में अगर थ्योरी अच्छा होता है तो मॉर्निंग में थ्योरी रखो, इवनिंग के लिए प्रैक्टिकल, या वाइज वर्सा एज पर योर सुइटेबिलिटी। फिर नेक्स्ट 5 दिन में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स करना है, फुल ऑफ ग्राफ्स, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको दिया है, डिमांड सप्लाई प्राइस मैकेनिज्म प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आधा सिलेबस आपको यही कर डालना है माइक्रो का, ठीक है? उसके संग मैंने दिया है आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स का इजी लाइट वेटेड चैप्टर्स रखा है, तो उसके संग अकाउंट्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, डेप्रिसिएशन कंसाइनमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके आप नक्की कर डालना, ठीक है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड डेप्रिसिएशन। सो अगेन 1 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल। फिर नेक्स्ट 10th to 15th डे में, बेसिकली 11th to 15th डे, 5 दिन के अंदर आपको फिर सोगा कर लेना है लॉ का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और मैथ्स फिर आपको अब स्टार्ट करना है। मैथ्स का ओपनिंग भी करना बहुत जरूरी है, रेशियो, प्रपोर्शन, एपीजीपी, एसआईसीआई, सब छोटे छोटे प्यारे प्यारे इजी इजी चैप्टर। मैं हमेशा एडवाइस करूंगी मैथ्स में कभी भी टफ चैप्टर से चालू मत करना, जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आता है इजी टॉपिक्स को पहले करोगे, ठीक है? ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे 3 चैप्टर, और तीसरा चैप्टर तो एक ही पेज का है, आराम से मैक्रो आपका 5 दिन में हंसते खेलते हो जाएगा, पिकनिक भी करोगे तो भी हो जाएगा। फिर उसके संग मैंने 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखा है, कॉस्टिंग और मैथ्स। कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस कर डालना है, बहुत ही छोटा सिलेबस है 20 मार्क्स का, जिसमें कॉस्ट शीट मेजरली करवाया है, और थ्योरी में थोड़े थोड़े जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो सब है, उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है? मैथ्स में सेट्स और इंडिसेस एक ही चैप्टर दिया, ज्यादा नहीं। सो 1 थ्योरी प्लस 2 प्रैक्टिकल। तो ट्राई करना सब्जेक्ट को जितना रोटेट करोगे उतना आपको मजा आएगा पढ़ाई करने में। फिर नेक्स्ट 21st से 25th डे एनआई एक्ट को नक्की कर डालो, लॉ का सिलेबस तो यही खत्म कर डाला मैंने, ठीक है? फिर अकाउंट्स लोगे, अकाउंट्स में जॉइंट वेंचर, मैथ्स में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो 1 थ्योरी प्लस 2 प्रैक्टिकल। फिर वैसे 26th से 30th डे में एथिक्स को पूरा कर डालो, क्योंकि एथिक्स का जो सिलेबस है काफी छोटा है, 3 चैप्टर आई गेस, तो आराम से हो जाएगा। और अकाउंट्स में एनटीओ करो, ओपनिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज जो है वो कर डालो, और मैथ्स में अब 1 चैप्टर आई गेस बचा है, तो पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट कर डालना। सो 1 थ्योरी प्लस 2 प्रैक्टिकल।
फिर 31st से 35th डे में मैनेजमेंट की शुरुआत करोगे। मैनेजमेंट में जो मैंने पहले पूरा प्रोसेस वाला पार्ट पढ़ाया ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, स्टाफिंग, वो कर डालना, ठीक है। और फिर स्टैटिस्टिक्स उठाओगे जो बहुत इजी है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, वन थ्योरी प्लस वन प्रैक्टिकल। देन अगेन 35 to 48 डे के बीच में मैनेजमेंट करना आपको, लीडरशिप, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग, ये तीन चैप्टर करना है। मोटिवेशन लीडरशिप का मेरा क्लासेस देख लो, बहुत ईजी आराम से हो जाएगा, ठीक है। खाली मेरे नोट्स करोगे तो ही काफी है। और अकाउंट्स पूरा फुल कंप्लीट कर लेना जितने रिमेनिंग चैप्टर्स है। तो मैंने इधर मैनेजमेंट का ईजी रखा तो इसलिए थोड़ा अकाउंट्स मैंने डिफिकल्ट बनाया, डिफिकल्ट भी नहीं, अब ज्यादा चैप्टर्स नहीं बचे, आप कंप्लीट कर डालना। फिर 41st से 45th डे मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट कर डालना है, स्टैट्स का कोरिलेशन रिग्रेशन कंप्लीट कर डालना है। फिर 46 से 58 डे में माइक्रो का जो सेकंड पार्ट बचा है ना, रेवेन्यू कर मार्केट चैप्टर का, वो कंप्लीट कर डालना है, और स्टैट्स का प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट कर डालना है। फिर लास्ट 6 डेज बचे हैं, अब अकाउंट्स के थ्योरी और मैथ स्टैट्स के थ्योरी, थ्योरी से भी क्वेश्चन आते, तो ये थ्योरी वाले पोर्शन आप आखिरी 6 दिन में कर डालो। तो इतना स्लो रूटीन मैंने बनाया, आराम से आपको इसके साथ रिफ्रेशमेंट का भी टाइम मिलेगा। बच्चों आप खाली पढ़ाई मत करो, थोड़ा रिफ्रेशमेंट, आधी 1 घंटा का ब्रेक्स भी लेना बीच में जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाएगा। मेक श्योर यू कंप्लीट योर फुल रिविजन बिफोर 10 days, ठीक है, 10 days बिफोर योर एग्जाम, क्योंकि उसके बाद हमें सब्जेक्ट वाइज रिविजन भी करनी है। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, मैं श्योर शॉट बोल रही हूँ, आप आराम से एग्जाम्स क्लियर कर लोगे विथ वेरी वेरी गुड मार्क्स, इट्स माई गारंटी टू यू गाइज। बट आपको एकदम डिसिप्लिन मैनर में, सिंसियर होकर ये रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है। Now, as regards to postal, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम पोस्टल सबमिट करना जरूरी है क्या? आंसर इज नो, पोस्टल सबमिशन इज नॉट मैंडेटरी, तो उसका चिंता मत करो, पढ़ाई करो मस्ती से और रिफ्रेशमेंट के साथ पढ़ाई करो, आराम से आप क्लियर कर लोगे सीएमए फाउंडेशन हंसते खेलते, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर डिसंबर एग्जाम्स, क्रैक इट, फॉलो द रूटीन। कोई भी क्वेरी है तो मुझे पूछना, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में लिख लो, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछना, मैं आपको आंसर करूंगी, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, स्टडी वेरी हार्ड गाइज, लेट अस रॉक इट, लेट अस रॉक इट, लेट अस हिट द बुलसाई, ओके, चलो लेट अस हिट द बुलसाई, बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।